फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिखी शॉप फूड ब्लॉग। तो आज हम गणेश चतुर्थी स्पेशल गुड़धाणी बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए हम एक कटोरी हमने गेहूं लिया है, और एक कटोरी गेहूं लेने के बाद में हम इसको बड़े से बर्तन में डाल देंगे, और सबसे पहले हम इसको धो लेंगे, और धोने के बाद में हम इसमें पानी डालेंगे और लगभग 5 घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो आपको 5 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है, तो हम इसको 5 घंटे के लिए हमने भिगो के रखेंगे, और 5 घंटे बाद देखिए जब आप इसको निकालेंगे तो ये जो गेहूं है ये फूले फूले से आपको नज़र आएंगे। तो देखिए काफ़ी फूल चुके हैं ये, और अब हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। ये फूल चुके हैं तो एक फ्राइंग पैन में हम इसको रोस्ट करेंगे। तो ड्राई रोस्ट करना है, तो आपको ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम है वो आपको लो रखनी है, और गेहूं को आपको हिलाते जाना है। तो इनको सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और इसका हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा जब आप ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद में हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद हम एक कटोरी गुड़ लेंगे, और एक कटोरी गुड़ लेने के बाद में हम इसको हिलाते जाएंगे। तो गुड़ की चाशनी हमें तैयार कर रहे हैं, तो हल्का सा पानी भी इसके अंदर डालेंगे हम, ताकि चाशनी अच्छी तरह से बन जाए। और चम्मच से आपको हिलाते जाना है, और जहां आपको हल्की फुल्की गांठें दिखाई दें गुड़ की, तो उसको दबा के आप इसको बिल्कुल दबा दें। तो देखिए हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है, और इसके अंदर हम जो गेहूं हमने भिगो के रखे थे वो डाल देंगे और मिला लेंगे चाशनी में, और चम्मच आपको हिलाते जाना है, और गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है। तो जब आपको लगे कि देखिए अच्छी तरह से चाशनी इसमें गेहूं के अंदर मिक्स हो चुकी है, तो सूखने तक आपको इसको चम्मच को चलाते रहना है। और ये हमारी जो गुड़धाणी है ये बनके तैयार हो चुकी है। तो आज की रेसिपी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए टेस्टी और पौष्टिक गुड़धाणी तैयार है, और ये गणेश चतुर्थी के दिन बनाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।